हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक और ट्रेंडी साड़ी लेके आई हूँ आपके लिए। ये बटरफ्लाई पैचवर्क साड़ी है, इसमें हम ट्रेंडी वर्क बनाएंगे। इसे बहुत ही सिंपली डिज़ाइन करेंगे, जिससे कि मैं आपके लिए लो प्राइसेस कम कीमत की साड़ियाँ लेकर आती हूँ। इसी तरीके से आज की जो साड़ी वो भी बहुत कम कीमत में बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी। और आज की साड़ी की खासियत है कि आपको इसमें बिल्कुल भी स्विंग मशीन पर पेटने की भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसमें मशीन पर पेटने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें कहीं भी मशीन नहीं लगानी है। और ये एक ट्रेंडिंग साड़ी बनेगी, जो बटरफ्लाई के पैचवर्क की साड़ी चल रही है वहीं हम बनाएंगे, जो मार्केट में काफ़ी कॉस्टली मिल रही है। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ मेरे लिए आपके लिए लाती रहूँ। और बेल के आइकन को टच करना ना भूलें। सो शुरू करते हैं इसे बनाना। ये मेरी नेवी ब्लू कलर का प्लेन पोत लिया हुआ है। ये देखिए, प्लेन साड़ी है मेरी, ये प्लेन फैब्रिक है मेरा। और ये मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है फ्रेंड्स, ये मेरा जो हम साड़ी कवर में यूज़ करते हैं वही कपड़ा है। हम साड़ी कवर बनाने के लिए जो कपड़ा यूज़ करते हैं, थोड़ी उसकी क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, लेकिन ये उसी कपड़े में थोड़ी अच्छी क्वालिटी है। ये मैंने येलो कलर पे लिया है, थोड़ा इसका ऑरेंज ऑरेंज कलर है। और ये मेरा प्लेन साड़ी है, जो कि नेवी ब्लू कलर है। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट। हमें इसमें बटरफ्लाई पैच बनाएंगे। फ्रेंड्स, आप बटरफ्लाई पेज आपकी चॉइस के अनुसार बनाइए। आप इसका साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। इसके साइज़ के अनुसार आप जैसे बनाना चाहे ऐसे बनाकर अपनी साड़ी में लगाइए। इसका शेप कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम पेज बना लेंगे। फ्रेंड्स, मैं ये कपड़ा इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये कटने के बाद, ये देखिए यहाँ से कटा हुआ है, लेकिन इसके कहीं से भी धागे नहीं निकलते हैं। और इसमें आपको कैनवास लगाने की या किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जो कि हम पैच बनाते तो हमें उसमें कैनवास लगाना होता है, उसके बाद इसे फोल्ड करना होता है, टर्न करके हमें फिर मशीन लगानी होती है। ऐसी कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको इसे डायरेक्ट कट कर कर अपनी साड़ी में लगाना है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम हमारा शेप दे देंगे बटरफ्लाई का। इस तरीके से आप आपकी चॉइस के हिसाब से इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और हम इसे सीजर से कट कर लेंगे शेप देते हुए। इस तरीके से हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो तरीका है वो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें हमें कहीं भी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमें पैच बनाने में जो प्रॉब्लम आती है वह भी नहीं करना है। और इजीली ये बन जाएगा। और आप फैब्रिक ग्लू से लगाना चाहते हैं तो फैब्रिक ग्लू से, और आप मशीन से अगर इसे अटैच करना चाहते हैं तो आप मशीन से भी अटैच कर सकते हैं। वैसे मैं इसे फैब्रिक ग्लू से लगाऊँगी। देखिए, हमारा बन गया है। अब इसे थोड़ा सा आपका जब बटरफ्लाई बन जाए, जब उसे इस तरीके से पकड़िए और थोड़ा सा यहाँ हमें क्या करना है, जो इसका इधर बंद वाला भाग है उसमें ऊपर वाले बटरफ्लाई के ऊपर की तरफ हम थोड़ा सा इस कोने को इतना सा समथिंग कट कर देंगे। इससे थोड़ा सा शेप अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, इससे थोड़ा शेप अच्छा आ गया है। और ये इधर थोड़ी सी हम फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरीके से हम सभी बटरफ्लाईज बना लेंगे। बटरफ्लाई अगर आप पूरी साड़ी में लगाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से बनाइए। और मैं इसके सिर्फ पल्ले में यूज़ कर रही हूँ। आप इसे तीन जगह यूज़ कर सकते हैं, एक हमारी प्लट्स की बीच वाली साइड में, और एक हमारा पल्लू जो हम जमाते हैं उस वाली साइड में, और एक पल्लू के जस्ट नीचे। इसे तीन जगह यूज़ किया जा रहा है। और वैसे ये पूरी साड़ी में भी ट्रेंडिंग में है, पर आप पल्लू या तीन जगह इसे यूज़ करें, प्लट्स में, पल्लू में और मेन पल्लू में, तो ये बेटर लगेगा। सो इसे अब डिज़ाइन कैसे करना है साड़ी पे, तो चलिए हम डिज़ाइन करते हैं इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सभी बटरफ्लाईज रेडी कर लिए हैं। अब हमें इसे कैसे लगाना है। फ्रेंड्स, मैं कुछ स्टोन लूँगी। ये मैंने येलो कलर पे लिए हुए हैं। ये देखिए, कुछ येलो येलो कलर पे हैं, ये बारीक स्टोन हैं, छोटे वाले। ये देखिए, इस तरीके के कुछ छोटे स्टोन हैं, ये मैंने लिए हैं। और ये मैंने फैब्रिक ग्लू लिया हुआ है। अब हम इन बटरफ्लाई के रॉन्ग साइड में हम ये फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। इस तरीके से हम फैब्रिक ग्लू लगा देंगे और इसे अटैच कर देंगे साड़ी में। इस तरीके से हम सभी पैर फैब्रिक ग्लू लगाकर साड़ी पर अटैच करते जाएंगे। इस तरीके से हम एक शेप देंगे। आप आपके हिसाब से भी एक शेप दे सकते हैं। इस तरीके से हम लगा लेंगे। उसके बाद हम इन स्टोन्स को भी इसी तरीके से इस पर फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगाएंगे। सो मैं इन स्टोन्स को भी आपको लगा कर दिखाती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा सूखने में, बट ये रेडी है। ऐसा आप ये मैंने प्लट के यहाँ पल्लू में, जो मेरा फ्रंट पल्लू आएगा, जो प्लट हम जमाते हैं, उस फर्स्ट प्लट में यूज़ किया है। आप चाहे तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, पल्ले के लिए, प्लट के लिए, सब जगह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैंने पल्ले की जो प्लट है उसमें लिया है, पटली वाली साइड में नहीं कर रही हूँ। तो आप इसे तीन जगह बना सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेंडी साड़ी का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।